साला नेट नहीं परेशान कर रखा है, अपलोड 51%, अभी 26 मिनट और लगेंगे इसे अपलोड होने में। जबकि मेरा जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो 200 Mbps का है, मतलब 200 Mbps डाउनलोड और अपलोड स्पीड आती है, पर पता नहीं अपलोड में क्या ही हो रहा है, 10-12 दिन से एक एक घंटा लगता है, फिर लोग बोलते हैं वीडियो लेट आती है, भाई अब क्या करूं मैं, तो वीडियो बैठा हूं अपलोड ही नहीं हो रही है। तो अभी आज मैं सोच रहा हूं कि इसको चेंज करते हैं, एयरटेल का लगवाते हैं, बहुत हो गया, ठीक है, तो आज बात करते हैं, क्योंकि यार ऐसे तो हो नहीं पाएगा, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी एयरटेल का लगवा लिया, पहले नेक्स्ट रखा था, अब इसे भी देख लेते हैं एयरटेल का है। फिर जियो पे जाना पड़ेगा, ये गड़बड़ कर गया तो। नहीं, नेक्स्ट और जियो साइड हो गए हैं अभी, क्या मतलब मर्ज हो गए हैं? नेक्स्ट और जियो मर्ज तो नहीं हुए, किसने कहा? हमारे वाले अलग अलग है। मतलब फाइनली एयरटेल का लग गया हमारा, एयरटेल एक्सट्रीम, और ये आ रही है स्पीड, ये डाउनलोड स्पीड है, देखते हैं कितनी आएगी, 575 फुट ऐसे की, मतलब अभी थोड़ी देर बाद फ्लक्चुएट कर रही है, लगभग 550 के आसपास आप मान सकते हो, ये डाउनलोड स्पीड है। और अभी हम इसके बाद देखेंगे अपलोड स्पीड, जो कि वो ज़्यादा मेन है, और अपलोड स्पीड देखो भाई लगभग 900 Mbps, मतलब 1 Gbps के करीब भाई, और जबकि हमने प्लान लिया 200 Mbps वाला, पर स्पीड आ रही है ये, क्योंकि ये लेन से कनेक्ट है, वाईफाई से नहीं, वाईफाई पे लगभग 250 Mbps डाउनलोड आ रही है, और 150-200 Mbps के करीब अपलोड आ रही है, बढ़िया नहीं है। तो भाई खाना खाते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद चलते हैं मार्केट, क्योंकि कुछ सामान लेके आना है शादी का, पता नहीं कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता। 5 बज गए, अब जाके मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब जब से लगाए हुआ नेट के इंटरनेट के चक्कर में, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी था। तो भैया लड़कियों को छोड़ दिया मार्केट में, आज तो कुछ ज़्यादा ही आतंक है, आज संडे भी है वैसे, तो संडे में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, 400 को तुम देखो, इधर इधर जगह ही नहीं है साला, और शाम के टाइम हो रहा है, ये गलती कर दी हमने, तो अभी वो लोग, मुझे लगता है आधा घंटा उन्हें लगेगा, तो आधे घंटे यहाँ तो कहीं पार्किंग है नहीं, तो मैं उधर कहीं चलता हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया, वो खाना खा था, तो सिर्फ 2-3 चम्मच मुश्किल से निवाले खाया हूँ, ये कहने लगे लेट हो रहे हैं, मैंने कहा मैं खा ही नहीं रहा, चलो फिर मैं आया आगे, तब देखता हूँ कुछ यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का खाऊंगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है बहुत तेज़। तो अभी जो है हुआ ये कि जब मैं घर से आ रहा था, मतलब मैं घर पर जब खाना खा रहा था, तो वहाँ पे सिमन आई कि यार लेट हो रहे हैं, तुम बता दो, तुम्हें नहीं जाना तो तुम पहले बता देते, जबकि मैं सुबह से मैं भी काम ही कर रहा था, वो भी काम ही कर रही थी, हम दोनों ही लगे हुए थे, कि मैं अपना नेट वेट ये सब चीज़ें लगवा रहा था उनके साथ, बंदों के साथ, तार वार कहाँ से डलेगा कैसे, उसमें बिजी था, उस चक्कर मैंने भी खाना नहीं खाया था, और वो भी गुस्से मतलब वो भी जो काम करके आई थी, तो एक वो होता ना उस टाइम पे 4-5 बजे थोड़ा सा वो हो जाता कि बहुत काम हुआ है, पर अभी भी काम बहुत बाकी पड़ा था, एक फ्रस्ट्रेशन था, तो जैसे ही मेरा खाना मेरे सामने आया था, मैंने एक चम्मच खाया था, तो कहने लगे यार तुम वो करवा रहे हो, तो मैंने कहा खाना ना खाऊं क्या, तो उसने कहा कि नहीं तुम खाना खा, तुम इतना वो कर लेट करवा रहे हो, कर रहे हो, तो मैंने फिर मतलब थोड़ा सा ऐसे गुस्से में कह दिया कि लोग मैं खाना खा ही नहीं रहा, चलो मैं वहाँ से आके गाड़ी में बैठ गया, और फिर वो लोग आ गए। फिर आने के बाद रस्ते में फिर कहती है अच्छा चल ठीक है यहाँ आके, अब कोई बात नहीं, अब चल अब कुछ खा लेंगे, वो कर लेंगे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मेरे से बात मत कर, ऐसे मैंने कह दिया, मैंने कहा जाओ अपना काम करो, तो अभी फिर मैं नॉर्मल हो गया, क्योंकि हमारे साथ ऐसे होता है कि हम 5-10 बार मतलब 10 मिनट होती होंगी, उसके बाद एकदम से फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो अभी वो लोग चले गए और मैं उनको कह के तो आ गया, मतलब उन्होंने भी कहा कुछ खा लेना, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला कुछ खा नहीं सकता, मतलब मैं जब मैं दिल्ली में कभी ऐसा था कि मैं अकेला रहता था ना, तो मैं पूरे दिन भूखा रहता था, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है कि मैं अकेला कुछ खा नहीं सकता, कहीं जाके अगर किसी ठेले से या किसी से भी एक किसी शॉप में जाके ना, मैं कुछ अकेला मतलब मन ही नहीं करता, ऐसा करता कि यार क्या ही खाऊं, मतलब साथ में कोई होना चाहिए जो साथ में खा सके। तो अब वही है, मैं आ तो गया हूं, वो लोग चले गए, अब मेरा मतलब भूख तो लग रही है मेरे को, पर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं जाके खा लूँ अकेला, तो अब मैं उनका वेट करूँगा, वो लगभग आधे घंटे में या 1 घंटे में आएंगी, तो मैं उनके साथ ही खाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही है कि फिर अकेला खाया ही नहीं जाता यार, तो आज तो भैया ये कि शॉपिंग के चक्कर में भूखा मरना पड़ रहा है, मतलब उसके चक्कर में। चलो अभी थोड़ी बहुत देर में आएंगे, उसके बाद देखते हैं, फिर जब तक मैं सोच लेता हूँ क्या खाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी पता भी नहीं मैं क्या खाऊंगा, क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज इस टाइम पर, पेट में दर्द हो रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, 5:30 बज रहे हैं, सो ये भी सही नहीं है यार भूखा रहना, पर अब क्या करें, वेट करते हैं। और इस टाइम बाहर हो रहा है 12 डिग्री, अब यहाँ देखो 12 डिग्री हो रहा है, और मैं जो है चप्पल ही पहन के आया था, तो मस्त आराम से हीटर चला रखा है, यहाँ पे पैरों में हवा आ रही है, मस्त पैर सेक रहा हूँ, इसलिए मेरा बिल्कुल और मन नहीं कर रहा कहीं जाने का, अब तो कर रहा बस गाड़ी में आ जाए जो आ रहा है, तो अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, वो लोग आएंगे उसके बाद ही चलेंगे कुछ खाने, बाकी तो बस गाने चलाते हैं, अपना गाने सुनते हैं। क्या क्या सामान लेके आ जाती है, अरे मेरी वो गा रहे गई आ रही है, वो
बुला उसे जल्दी, वो बस उठा के लेके आना है। जाम लग रहा है ये, फिर वहाँ पे फंस जाएंगे हम। ये बाद में घर जाके देखती रही हो, ये तो देख तो लूँ मेरे, वो कुछ घर जाके देखिए, घर जाके देखिए आराम से। तुमने तो हद ही कर ली यार, बहुत देर लगी यार। तो कैसे पैसा लगा, पूरी दुकान उठा के लाओगे तुम वहाँ पे? बहुत आसान है खरीदना, और आसानी है पता है यहाँ पे? कैसे पेट में दर्द हो रहा है, उसे दिमाग खराब हो रहा है। अकेला खाए नहीं आता, लड़ा तो बहुत जाता है। तू केले। मैं लड़ता हूँ, तुम्हारे चक्कर में खाना नहीं खा पाया मैं वहाँ पे। तुम आई थी खाना बताओ, बेचारा आदमी खाना खा रहा है, उसको खाने में नहीं खान दिया तुम्हारे, मैं नहीं तुम्हें गरम करके। हाँ पर अच्छा, फिर खाना क्यों नहीं खान दिया? खाना भी नहीं दिया खाने को, झूठे बना के दिया तो था तुम्हारे हाथ में। और जब जैसे एक निवाला खाया उसके बाद ही वहाँ पे बक 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 चार चम्मच चावल खा, एक चम्मच खाया था बस, वो वाह उसे देख पूरे खा लिया। अब आ जाइए फिर कल से, अब लेके आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अब इसको सामने रखूंगा। कुछ नहीं खाया था भाई, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। नहीं अब नहीं, अब तू खुद ही आना, अपना सामान ले, धमकी देता है लोगों को ठंड में ना। अब अपनी स्कूटी से आना, सामान ले ले, मैं नहीं आऊंगा बिल्कुल भी। एक तो भूखे मरो हैं, और फिर इनकी सुनो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अम्मा मानूंगी। हां देखो ना, ये हमारे घर में औरतें ज्यादा हो गई हैं, इसलिए भाई मैं तो फंस ही जाता हूं। फोन चलाते रहते हो हमेशा? अच्छा फोन चलाता है, फोन चलाता है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनका पति हर समय फोन चलाता है। बेटा तुम्हारा पति तुम्हारे काम कर रहा था उस टाइम फोन में, वो जो नेट तुमने लगवाया ना, जो तुम रोती रहती हो ना कि मेरा अपलोड नहीं हो रही, वीडियो अपलोड नहीं हो रही, उस चक्कर में उसको एक्टिवेट कर रहा था उस टाइम पे। मेरे अपलोड हुई नहीं, मुझे पता है कि वो भी करना है। तो अब मैं तो नेट बंद कर दूंगा ना, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रखी है ना। अब नेट बंद कर दूंगा, जिम्मेदारी लोग इसी चीज की, जाके नेट बंद कर दूंगा। ये सब मेरे काम क्यों है बताओ? तो मेरे काम क्यों है फिर ये बताओ? तुम मेरे ऊपर ज्यादा डाले हुए हैं। हां ऐसा ही लगता है सबको, उसका प्री ब्राइडल भी सब सामान भी दिलवा। किसने कही है? अपने आप तुमने लिया था वो, हमने नहीं कहा तुमसे। जाओ तुम यहां से। हां अपने आप ही भाग यहां से। हां मत करो, क्यों घुस रही हो फालतू में? मर जैसी नहीं, सबको अपने काम बड़े लगते हैं। दूसरा तो पागल है, फोन चलाना बहुत। दूसरा तो भूखा मरा है, पागल है वो। बस तुमने क्या बोला था, मैं खड़ा हूं ये देखो, सर पे बैठे घूम रहे हैं। ए सर पे बैठ के घूम रहे हो आप? ये लड़की वहाँ पे गई मंगलसूत्र लेने, और वहाँ जाके लोटपोट हो गई। पता है? पता है? नहीं पता क्या कह रही, मंगलसूत्र तो लेने आई है, करी वो तो उनकी तरफ से है, चलो मंगलसूत्र आई है उठाने के, इतने लेने वहाँ पे जाके ये करी, सुना ये बड़ी लग रहा है, ये करी अब अपनी तरफ से भी कुछ दिला दो, वहाँ जाके पेंडेंट लेके आई है। हाँ ऐसे ही हुआ है, हम तो इसकी डिलीवरी लेने लगाए थे, पर वहाँ सुना करी चल कुछ अब आई गए हैं तो कुछ और भी देख लेते हैं। इन्होंने बोला ये, इन्होंने ये लोटपोट हो गई वहाँ पे, यूँ कह रही मैं कुछ ले आप आई हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगी। मुझे सोने से कोई प्यार नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं है। डायमंड की लाई ना? हाँ डायमंड का पेंडेंट लेके आई है, हमारा खर्चा करवाया है फालतू में। मैंने कल सोना ने कहा कि मुझे पहले पता नहीं था कि मेले देख रही है। रूरू द मास्टर, मास्टर द ब्लास्टर। मैं अभी सो के जगी हूँ और दूध पी लिया। दूध पी लिया? कौन सी गुड मॉर्निंग है, पहली दूसरी? क्या देख रही है? इवनिंग वाली है ये, मतलब इसमें प्रिंट देख रही है। हाँ। है ना? क्या हुआ ये तेरे अभी काला? पापा स्मार्ट लग रहे हैं क्या? रहे हैं लेकिन कार्टून, कार्टून बन रहे हैं पूरे पर। रूस देखो कार्टून है, सारी 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 कार्टून, ये कार्टून नहीं दैट कार्टून, रूस कार्टून। काशी के मैं दिखा पाऊंगा, ये नो हुआ, देख देख करे कार्टून है तू, चाय देख रही है वो, खाएगी कार्टून है तू, खाएगी गू, बन गया कंटेंट, बन गया। तो ये घर आते मम्मी ने बना रखी है आज, आलू गोभी गाजर पता नहीं क्या है, सब्जी होगी मिक्स सब्जी बेहतरीन वाली, और यहाँ पे अभी सेवन बनानी रोटी, जल्दी दे दो भाई, इतनी तेज भूख लग रही है ना, तो क्या ही बोल इस औरत के चक्कर में मम्मी मैं भूखा गया हूँ, इस औरत के चक्कर में, पता तुम्हें औरत की ये तुम्हारी औरत भी गई है औरत इस औरत के चक्कर में, इस औरत और ये औरत भी गई थी भूखी, इस औरत के चक्कर में ये औरत भूखी है, और इन दोनों औरतों के चक्कर में मैं भूखा हूँ, के चक्कर में मैं भूखी थी, इन दोनों औरतों के चक्कर में मैं औरत भूखी, बोलो कितनी औरत है हमारे घर में। तो भैया मेरा तो हाथ भी जलवा दिया इस लड़की ने, मतलब ये इतनी चिढ़ रही है मुझसे कि मेरा हाथ तक जलवा दिया इसने। हैं इसने क्या करा, यहाँ पे दूध गर्म कर रही है कढ़ाई में, वो रख के चमचा पीछे से प्लास्टिक का लगा, ठीक है वो गर्म करके वो वहाँ पे मस्त पिघल रहा, जैसे मैंने चमचा पकड़ा यहाँ चिपक गया प्लास्टिक। ये तुम्हारे कर्मों के फल हैं, कर्मों के तो वो कल से दिखाऊंगा। अरे यार मैंने जानबूझकर थोड़ी किया, तुम ऐसे कह रहे हो सारे फल तो तुम उठाओगे, मैं भी तो उठा सकता था उस चीज को, देख रहा तो खौफ खौफ देख रहा है, क्यों नीचे क्या है? अरे यार अच्छा कढ़ाई में से खा रहा डर है क्या? मेरी मम्मी कहती है कढ़ाई में जो खाना खाता है उसके ब्याह में बारिश होती है, मतलब मेरी मम्मी की भी है? या ब्याह हो गया वही बहुत बड़ी बात है, चाहे आधी तूफान किसी में हो बस हो जाए, ब्याह तो हो जाएगा जयपुर में तो होगा।
क्या खा रहे हो भाई? एप्पल। एप्पल खाए जा रहा है? आज तो बड़ी चुप है जब से जगी है, हैं? अल्लाह नहीं बचा रही ना बिल्कुल भी। तो अभी अब यहाँ पे पैसे वगैरह लग रहे थे कि गाड़ी कैसे कैसे आएगी क्या है, तो सिमन ने कुछ इस तरह की गाड़ी बनाई है देखो, तो ऐसी तो हम जो है ये वाली गाड़ी लेने वाले हैं जो आप देख रहे हो ये सामने 4x4 लिखा है ना उस पर। और इसको बनाने से पहले सिमन पूछी थी कितने टायर लगेंगे इसमें, है ना, कितने टायर लगवाएंगे, क्योंकि मैंने गलती से बहुत लंबे बनाई थी, मैं इसमें 6 टायर लगाने वाली थी। तो भाई अभी यहाँ पे सब बैठे और उससे पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रिया की शादी में कैसे कैसे करना है, कि कहाँ होगी कैसे होगी, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता, घर में होगी घर के बाहर होगी, अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे घर के बाहर रोड है वहीं पे आराम से टेंट लगाएंगे और वहीं होगी, है ना प्रिया, वही बढ़िया है, आराम से डेकोरेशन बढ़िया करवा लेंगे और क्या होगा, क्या हो सकता है इतने लोगों में, तो छोले बना लेंगे, छोले आलू की सब्जी और रायता और पूड़ी, बस और क्या चाहिए, हलवा बनवा देंगे, हलवा सूजी का हलवा, सूजी का हलवा क्या बनाएगी प्रिया, हलवा हलवा या हलवा, हलवा ये हलवा बोलने ज्यादा मजा आता है, हलवा बोलने मजा नहीं आ रहा है, अच्छा फील भी तो होना चाहिए कुछ, अच्छा बाल कॉलोनी से देंगे, बाल कॉलोनी, बाल कॉलोनी नहीं है, बाल कॉलोनी, बाल कलनी, कलनी ओ हो भाई, वो कॉलोनी के अंदर आ मते है इसलिए बाल कलनी है, हां हां वहां से पूरी की पूरी कॉलोनी दिखाई देती है। ये अपनी किताब का नाम तो बता दो, मिस इज सावित्री देवी, मिसेस सावित्री देवी, मिस मिस का सुना है मेरा तो हुआ, मैं तुमको किस करता हूं, क्या बात कर, शैतान बच्चे, क्या चल रहा है, हाँ गोदी में नहीं लूंगा, गोदी में नहीं लूंगा, खेलो चुपचाप, खुश नहीं हो ज्यादा, बाय बाय, रूरू हेलो, तुमको नींद नहीं आती है, नींद क्यों नहीं आती है आपको, आता 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 आती है, चीटे बना रहे हो, और क्या बना रहे हो चीटे में, कचौड़ी, वाह भाई वाह, कचौड़ी चल रही है और टाइम हो रहा है 12 ही बजे हैं, करेक्ट 12 बज के रह गया, करेक्ट 12 बजे रात के कचौड़ी खाई जा रही है, है? हम तो देखने आए हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, है शैम्पू, हम तो देखने आए, कहीं ज्यादा ना खा लो फिर फूड पॉइजनिंग हो जाए फालतू में, ध्यान रखना पड़ता भाई, है ना, देखिए अभी आइए देखने डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब ये देखो किचन में ही लगे पड़े हैं, जेनुइन मजा आ रहा है, जेनुइन कैसा मजा आ रहा है, जेनुइन, मैंने हार्डली 2 कचौड़ी खाई, अब मुझे कभी नहीं होगा, चाचू लगे पड़े हैं, हैं? प्लेट लेके लगे पड़े हैं, पेलम पेल कचौड़ी, पेलम पेल है, अब नहीं दिख रहा होगा पेट बिल्कुल भी, अभी क्या करता भैया अनिल दिया यार मैं नहीं खाऊंगा, है सबसे लास्ट तक लगे पड़े हैं चाचू भाई, आंटी की मेहनत में बना रही ठंड, अच्छा अच्छा कैसा लग रहा है कचौड़ी खा के, एकदम जेन्युइन जेन्युइन लग रहा है, कलेक्शन हो पाएगी, हो जाएगी, लॉकडाउन खत्म, कल चेस्ट है बेटा, कल कहां से चेस्ट, परसों भी चेस्ट की थी, हाँ तो कल चेस्ट दोबारा रिपीट होती है, वो मंडे से दोबारा रीसेट होगा, आप लोगों का वही नहीं समझ आता टाइम टेबल, चेस्ट जाके पढ़ो ना, ऊपर जाके पढ़ो भाई ढंग से, ऐसे ही होता। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ढंग से तो आपको तो पता चल ही चुका होगा कि कौन सी गाड़ी हम लेने वाले हैं, सो टोयोटा की, क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया भी है आपको, साफ साफ नाम लिखा हुआ है, और अगर आपको पता चल गया तो नीचे कमेंट करके बताओ, बाकी ठीक है मैं अभी कल या परसों वाली वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि मैंने क्यों लिया, क्योंकि अभी तक मैंने क्लियर नहीं करा, बहुत लोग अभी होंगे कि आप इस चीज़ को क्यों ले रहे हो, क्योंकि इतना कंफर्टेबल नहीं होगी वो गाड़ी, या फिर क्या होगा, हम उसका क्या करने वाले, तो वो सब चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स हैं, और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप मतलब दिल खुश हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, आपको पूरे पिक्चर्स के साथ समझाऊंगा, ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो जैसे हम बोलते हैं सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट, अभी के लिए नमस्ते अलविदा टाटा और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना कर देना, मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय।